एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल देसी फूड में। तो दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ एक अचार रेसिपी जो कि आपको काफी ज्यादा पसंद आएगी। आज हम बनाने वाले हैं मिर्ची का अचार। आज इस तस्वीर वीडियो में आप जानेंगे कैसे आप एक बार मिर्ची का अचार बनाने के बाद उसे लगभग एक साल तक यूज में ला सकते हैं। साथ ही मैं आपको दिखाऊंगा एक साल मिर्ची का अचार रखने के बाद कैसे दिखता है। तो आप सभी लोग इस रेसिपी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चैनल पे नए हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो बिना देर के बनाना शुरू करते हैं मिर्ची का अचार। मिर्च का अचार को बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे लेनी है हरी मिर्च। तो मैंने यहाँ पे लगभग 250 ग्राम के आसपास हरी मिर्च ली है। और मिर्ची को लेते वक्त हमें एक बात का खास ध्यान देना है, हमें यहाँ पे एकदम ज्यादा छोटी मिर्ची का यूज नहीं करना है, कुछ मीडियम साइज की मिर्ची को हम यहाँ पे लेंगे। और मिर्च का अचार बनाने के लिए सबसे पहले हमें मिर्च को धो के सुखा लेना है, या फिर आप किसी साफ कपड़े से मिर्ची को पोंछ सकते हैं। मिर्ची में पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। और मिर्च का अचार बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे मिर्ची का जो डंठल वाला पार्ट है उसे इस तरीके से हटा लेना है। साथ ही मिर्ची के डंठल वाले पार्ट में जो इस तरीके का थोड़ा सा हिस्सा बच जाता है इसे भी हम इस तरीके से खुरच के इसको निकाल लेंगे। ये जो है हमारे मिर्ची के अचार को खराब कर सकता है, तो इस प्रोसेस में थोड़ा सा आपका टाइम लगेगा, लेकिन सारे डंठल को आप अच्छे से हटा लें। तो मैंने यहाँ पे इस डंठल को पहले से हटा के रखा है। तो चलिए हम मिर्च के अचार को बनाना शुरू करते हैं। मिर्ची के अचार को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ खड़े मसाले लिए हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये 2 चम्मच साबुत धनिया लिया है। साथ ही मैंने यहाँ पे ये 1 चम्मच ली है अजवाइन। 2 चम्मच मैंने यहाँ पे सौंफ ली है। सौंफ मिलाने से अचार में जो है बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसके अलावा मैंने यहाँ पे 1 चम्मच काली सरसों ली है, आप चाहें तो पीली सरसों ले सकते हैं। इसके अलावा मैंने यहाँ पे ये 1 चम्मच ली है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। साथ ही मैंने यहाँ पे ये 4 से 5 ली है काली मिर्च और लगभग 3 से 4 मैंने यहाँ पे लौंग ली है। साथ ही हम यूज करेंगे अमचूर पाउडर, तो ये 2 चम्मच लिया है, आप चाहें तो अमचूर पाउडर की जगह नींबू का रस यूज कर सकते हैं। 1 चम्मच मैंने यहाँ पे लिया है मेथी दाना और 1 चम्मच मैंने यहाँ पे लिया है जीरा। तो चलिए अब हम मिर्ची अचार को बनाना शुरू करते हैं। तो मिर्ची का अचार बनाने के लिए अब हमें सबसे पहले इस मिर्ची को काटना है। तो इस तरीके की हम एक कटिंग ट्रे लेंगे और ट्रे के ऊपर से हमें यहाँ पे इस तरीके से हरी मिर्च रखनी है और हरी मिर्च को हम इस तरीके से बीच में से चीरा लगा के इसे 2 टुकड़ों में काट लेंगे। तो इसी तरीके से हमें यहाँ पे एक एक करके दूसरे तीसरे चौथे सौर सारी मिर्ची को हमें बीच में से चीरा लगा के काट लेना है। मैंने यहाँ पे कटिंग ट्रे का यूज किया है, अगर आपके पास कटिंग ट्रे नहीं है तो आप इसे सावधानी पूर्वक से काटें और मिर्ची को बीच में से चीरा लगा के सारी मिर्ची को एक एक करके इस तरीके से काट लें। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे सभी मिर्ची को बीच में से इस तरीके से चीरा लगा के काट लिया है। तो अब हम चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ को। मिर्ची का अचार बनाने के लिए सबसे पहले हमने जो खड़े मसाले लिए थे उनको भूनना है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे एक तवे को अच्छे से पहले गर्म कर लेना है। जब आपका तवा अच्छे से गर्म हो जाए तो तवे पे हमें डालने हैं साबुत धनिया, उसके बाद हम यहाँ पे मिला देंगे लौंग, साथ ही हम मिला देंगे काली मिर्च, उसके बाद हम यहाँ पे मिलाएंगे जीरा, आप चाहे तो जीरे की क्वांटिटी को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। अब हमें यहाँ पे इन सभी खड़े मसालों को भूनना है, तो एक स्पून की सहायता से मिक्स करेंगे और मिक्स करते हुए हमें यहाँ पे खड़े मसालों को लगभग 1 से 1.5 मिनट के आसपास तक धीमी आंच पे भून लेना है, लेकिन ध्यान दें इसे आप बीच बीच में चलाते रहें। तो मैंने यहाँ पे मसालों को थोड़ी देर भून लिया है। अब हम यहाँ पे मिलाएंगे बाकी मसाले। तो सबसे पहले मिलाया है मैंने यहाँ पे मेथी दाना, उसके बाद हम यहाँ पे मिलाएंगे काली सरसों, आप चाहे तो काली सरसों की जगह पे पीली सरसों का भी यूज कर सकते हैं। फिर हम यहाँ पे मिलाएंगे सौंफ। सौंफ मिलाने से जो है अचार में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, तो आप इसे जरूर मिलाएं। अब मैं यहाँ पे इन बाकी खड़े मसालों को भी अच्छे से मिक्स कर लेना है और मिक्स करते हुए इसे हमें धीमी आंच पे लगभग 2 से 3 मिनट के आसपास तक भून लेना है। मसाले जब भुन जाते हैं तो मसालों में से एक अच्छी सी खुशबू आने लग जाती है, लेकिन ध्यान दें हमें यहाँ पे मसालों को बीच बीच में चलाते जरूर रहना है। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे सभी खड़े मसालों को लगभग 2 से 3 मिनट के आसपास तक और भून लिया है। तो हम गैस को बंद कर देंगे और इन सभी खड़े मसालों को हमें यहाँ पे एक सेपरेट प्लेट में निकाल के इसे हमें थोड़ी देर ठंडा होने देना है। जब ये थोड़ा सा ठंडे हो जाएंगे उसके बाद हम इन सभी खड़े मसालों को मिक्सर ग्राइंडर जार में थोड़ा सा दरदरा होने तक पीस लेते हैं।
तो अब हम चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ को। हरी मिर्ची के अचार को बनाने के लिए अब हमें यहाँ पे लेनी है एक कढ़ाई, और कढ़ाई में हम एक बाउल तेल को अच्छे से धुआं निकलने तक गर्म होने देंगे। मिर्ची के अचार को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे सरसों के तेल का यूज किया है। आप किसी भी अचार को बनाने के लिए सरसों का तेल यूज में ला सकते हैं। तो तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, तेल में से धुआं निकलने लग गया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इस सरसों के तेल को थोड़ी देर ठंडा होने देंगे। तो इसे हम रखते हैं साइड में और हम चलते हैं अपने अगले प्रोसेस की तरफ को। मिर्ची के अचार को बनाने के लिए अब हमें यहाँ पे एक बड़े साइज का बाउल लेना है, और बाउल में हम कटी हुई हरी मिर्च को रखेंगे, और इस हरी मिर्च के ऊपर से हमें यहाँ पे डालने हैं खड़े मसाले। तो खड़े मसालों को मैंने यहाँ पे मिक्सर ग्राइंडर जार में थोड़ा सा दरदरा होने तक पीस लिया है। उसके बाद हमें यहाँ पे मिलाना है ये आधा चम्मच हल्दी पाउडर, फिर हम यहाँ पे मिलाएंगे लाल मिर्च पाउडर। तो ये एक चम्मच मैंने यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर का यूज किया है। कुटी हुई लाल मिर्च हमारी यहाँ पे ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे मिला सकते हैं या चाहे तो अवॉइड भी कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे ये एक चम्मच धनिया पाउडर भी मिला देंगे, फिर हम यहाँ पे मिलाएंगे अमचूर पाउडर, ये दो चम्मच के आसपास मिलाए हैं। अमचूर पाउडर मिलाने से अचार में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप अमचूर पाउडर की जगह पे नींबू के रस का भी यूज में ला सकते हैं। फिर हमें यहाँ पे मिलाना है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। तो ये एक से डेढ़ चम्मच मैंने यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का यूज किया है। ये तीखा कम होता है, इससे जो है अचार में थोड़ा सा कलर अच्छा आएगा। फिर हमें यहाँ पे मिलानी है अजवाइन। तो ये एक चम्मच मैंने यहाँ पे अजवाइन ली है। अजवाइन को मिलाने से पहले इसे दो हाथों के बीच में क्रश कर लें, उसके बाद आप इसे मिलाएं। अजवाइन को आप किसी भी अचार में मिला सकते हैं। फिर हमें यहाँ पे मिलाना है नमक। तो लगभग तीन चम्मच के आसपास मैंने यहाँ पे नमक मिलाया है। आप अपने अचार के अकॉर्डिंग यहाँ पे नमक का मिला सकते हैं। नमक किसी भी अचार में प्रिजर्वेटिव का काम करता है, ये अचार को खराब होने से बचाता है। अब हमें यहाँ पे इन सारे मसालों को मिर्ची के साथ मिक्स करना है। तो एक स्पून की सहायता से हमें इस तरीके से चलाते हुए इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि जो मसालों की एक अच्छी सी लेयर है वो हमारे मिर्ची के ऊपर से आ जाए। तो इसे हम दो चार मिनट इस तरीके से चलाएंगे तो मसाले जो है अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे मिर्च के साथ सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हमें यहाँ पे मिलाना है ऑयल यानी तेल। तो तेल को मैंने यहाँ पे हल्का सा गुनगुना होने तक ठंडा कर लिया था। तो सारा तेल हम यहाँ पे मिला देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे मिलाएंगे विनेगर। तो ये चार से पांच छोटे चम्मच मैंने यहाँ पे व्हाइट विनेगर मिलाया है। विनेगर और नमक जो है अचार में प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं, ये हमारे अचार को खराब होने से बचाते हैं। अब हमें यहाँ पे इस मिर्ची के अचार को एक बार फिर से मिक्स करना है। तो एक स्पून की सहायता से इस तरीके से इसे हम लगभग तीन से चार मिनट के आसपास तक मिक्स कर लेंगे। ऐसा करने से जो हमारे मसालों की एक अच्छी सी लेयर है वो मिर्ची के ऊपर से आ जाएगी। आप इस मिर्ची के अचार को एक बार बना के लगभग साल भर इसे यूज में ला सकते हैं। ये मिर्ची का अचार अगर मेरे तरीके से आप बनाते हैं तो ये खराब नहीं होगा। इस मिर्ची के अचार के अलावा और भी बहुत सारी रेसिपी हमारे चैनल पे है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं, आपको ये रेसिपी जरूर पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे मिर्ची के अचार को लगभग तीन से चार मिनट के आसपास तक अच्छे से मसालों के साथ मिक्स कर लिया है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए जो हमारा मिर्ची का अचार है परफेक्ट तरीके से बनके तैयार हो चुका है। अब हम इसे ढक के दो तीन दिन के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। लेकिन ध्यान दें, हमें यहाँ पे इस मिर्ची के अचार को दिन में एक बार चला जरूर देना है। उसके बाद आप इस मिर्ची के अचार को स्टोर कर सकते हैं। अगर आप इस मिर्ची के अचार को स्टोर करने वाले हैं तो सबसे पहले आप कुछ बातों का ध्यान जरूर दें। आप जिस भी जार या कंटेनर में इसको रखने वाले हैं, जार को आप अच्छे से साफ पानी से धो लें, उसके बाद उसे अच्छे से सुखा लें। जार में बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए, और जब भी आप अचार को किसी चम्मच से निकालें तो चम्मच को आप बिल्कुल भी गीला न रखें, अदरवाइज जो आपका अचार है वो खराब हो सकता है। और मिर्ची के अचार को हम शुरुआत के 15 से 20 दिन धूप में सुखा लेंगे। हो सके तो अचार को आप हर दो से तीन दिन में एक बार चला दें। ऐसा करने से जो हमारा अचार है बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। अगर मैं आपको दिखाऊं तो फ्रेंड्स, ये देखिए जो आप अचार देख रहे हैं, इसको एक साल पहले बनाया गया था, ये अचार अभी तक खराब नहीं हुआ है। साथ ही जो मिर्ची का अचार है ये काफी हद तक सॉफ्ट भी हो चुका है, खाने में इसका जो टेस्ट है वो लाजवाब है। तो फ्रेंड्स, आप भी इसी तरीके से आसानी से इस मिर्ची के अचार को एक बार बना के इसे लगभग साल भर यूज में ला सकते हैं।
आपको मेरा मिर्ची का अचार बनाने का तरीका कैसा लगा आप मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। साथ ही फ्रेंड्स, आप मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं एक और नई रेसिपी वीडियोज के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।